हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत टेस्टी गाजर शिमला मिर्च और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। तो ये देख सकते हैं, ये तीन गाजर और शिमला मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन गाजर की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिए। और ये मटर भी गाजर के बराबर ही रखिए, क्योंकि मटर जब छौंकी जाती है तो थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये मैंने एक प्याज काटी हुई है बारीक, मिर्च ली हूँ, अदरक और लहसुन। प्याज बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि गाजर की किसी भी सब्ज़ी में प्याज की मात्रा ज़्यादा होती है तो और मीठी हो जाती है। तो सबसे पहले हम गाजर और शिमला मिर्च को कट कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम अपनी पसंद का ऑयल डालेंगे। मैं ज़्यादातर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। सब्जियों को भी मैंने काट लिया है और छिलके ही मैं धुल ली थी। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा। हींग जीरा चटक गया, अदरक लहसुन डालेंगे, हल्का से इसको भुनेंगे। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, हल्की सी प्याज भून लेंगे। इसके बाद हम बारी बारी सब्जियों को ऐड करेंगे। प्याज हल्की सी भून गई है, अब गाजर ऐड करेंगे और इसको हम चलाएंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। गाजर पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसी वजह से गाजर को पहले हल्का सा पका लेंगे। तो देख सकते हैं गाजर का कलर चेंज हो गया है, मतलब गाजर अच्छे से पक गई है 2 मिनट में। अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में ये मटर चलाएंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। ये 10 से 12 दाना चीनी है, इसको ऐड कर देंगे ताकि हरापन बरकरार रहे। मटर, शिमला मिर्च, किसी भी सब्ज़ी में अगर डाल दीजिए तो इसका हरापन बरकरार रहता है। इसमें हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, सबको चलाएंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसको हम ढक देंगे आधे मिनट के लिए। सब्जी हमारी बन के रेडी है। अब इसमें लगभग 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अब धनिया पत्ती डालेंगे, फ्लेम बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी बहुत टेस्टी गाजर, शिमला मिर्च और मटर की सब्ज़ी बन के रेडी है। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत पौष्टिक भी है। तो बनाइए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।